ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जानिए पूरी सच्चाई, कौन है यह लड़की जो पृथ्वी शाह से हाथापाई हो गई। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं है। पूरी जानकारी जानने के लिए लास्ट वीडियो तक बने रहें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने बिना प्रूफ फ्रेम के उसके बाद वीडियो बनाई। सपना सपना दूर हो, सपना दूर हो, मेरा प्रूफ है सपना, मेरा प्रूफ है सर। मैंने उसके बाद वीडियो बनाई, इससे मेरा फोन छीना और मेरे को धक्का दिया। हाँ हाँ, एक मिनट रुक के हम इसके दोस्त लोग हम लोग को मार के भागे। हमारे पास गाड़ी का फोटो तक है और लड़के लोग छिल। अगर आज क्रिकेटर की इज्जत हो गई हम देखेंगे। हमने अगर अपनी मौत नहीं दी तो रोड पे तो देखेंगे। मैंने अगर मर्डर नहीं किया अपना तो देखेंगे। मैं अपना गला काटूंगा इधर रोड पे। जिस लड़की ने की पृथ्वी शाह से हाथापाई, उसका रवि किशन और निरहुआ से खास कनेक्शन। बता दें इस लड़की के बारे में, इसका नाम सपना है, जो इंस्टाग्राम पे इसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, जो कि एक रील्स बनाती है। बता दें 2021 में भोजपुरी फिल्म मेरा वतन और 2017 में काशी अमरनाथ में भी काम किया है। बता दें आप, जब शाह के ऊपर हमला किया गया उस दौरान शाह कार में ही मौजूद थे। इन पर पृथ्वी के दोस्त की कार का शीशा तोड़ने और मारपीट का आरोप लगाया गया है। बता दें आपको, इनमें सपना गिल और शोभित ठाकुर के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। इनमें से 8 लोग शामिल थे जो कि पृथ्वी शाह पे हमला किए थे। उनमें से बता दें 2 लोगों पर केस दर्ज की गई है और बाकी फरार हैं। पृथ्वी ने बताया कि एक सेल्फी लेने के बाद उन्होंने फिर से दोबारा सेल्फी लेने की बात की तो पृथ्वी शाह ने मना कर दिया। पृथ्वी शाह के मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। इतना होने के बाद हाथापाई शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद होटल में मौजूद बाउंसर को पृथ्वी शाह बुलाकर उन लोगों को होटल से बाहर निकलवा देते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर हॉकी से बास्केटबॉल से बाहर वेट करने लगते हैं। पृथ्वी शाह निकलते ही उन पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर पृथ्वी शाह के दोस्त ने उन्हें अपने कार से भगाया। फिर एक पेट्रोल पंप पर रोकते हैं। वहाँ रुकने के बाद एक लड़की अचानक से आती है और कुछ हाथ में बल्ला लेके उनके कार का शीशा तोड़ने लगती है। पूर्ण रूप से अटैक करने के बाद शाह अपने बचाव के लिए उतरते हैं। और हालांकि जो लड़की है सपना, वो शाह से कुछ रुपयों की मांग की, हालांकि कहा जा रहा है कि 50,000 रुपये की मांग की है। इतने में शाह के दोस्त ने पास के थाने में कंप्लेन लिखवाया और इन दोनों पर FIR दर्ज करवाया। हालांकि 8 लोग शामिल थे, 8 लोगों में से 2 ही पर FIR दर्ज हो पाया। और बाकी भी फरार है। गाइज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।